वेलकम बैक टू फूड लस्टर। होली यार, होली कभी बिना दही बड़े के कंप्लीट हुई है? नहीं ना, बिल्कुल सही समझे। तो आज हम लोग दही बड़े बनाने जा रहे हैं। अब दही बड़े बोलो या दही वाले, मैं कोई रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बनाने जा रही हूँ, ना ही कोई ढाबा स्टाइल। मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल प्लेन मम्मी की रेसिपी, जिसको खाते ही घर की याद आ जाएगी, क्योंकि होली सिंप्लिसिटी का ही तो फेस्टिवल है ना। सो लेस इज मोर, तो शुरू करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, नीचे रेड वाली बटन है ना, प्लीज सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मूंग दाल ले लेते हैं और उसका जस्ट आधा उड़द दाल ले लेना है, यानी 3 से 4 बार इसको अच्छे से धुल लेना है, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी गंद नहीं रहे। अब इन्हें पानी में पूरी तरीके से सोक कर लेना है, मिनिमम 4 घंटा सोक करना है। लेकिन आप अगर आप चाहो तो पूरी रात को भी सोक कर सकते हो, रात को सोक करो और सुबह बना लो। मम्मियाँ ऐसे ही तो करती थी, रात को सोक करती तो सुबह बना लेती थी। रात को दाल सोक करने से ये होता है कि दाल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। दाल को पीसते वक्त ध्यान रखना है कि दाल में कोई पानी नहीं डालनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 चम्मच टेबलस्पून पानी ही डालनी है। अगर ज़्यादा पानी चली गई तो हमारे जो वड़े हैं वो गिलगिले से हो जाएंगे, और जब उसको फ्राई करोगे तो वो कड़े से हो जाएंगे, क्योंकि वो फिट नहीं पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हाथ पैर कस लो, क्योंकि बैटर को 10 मिनट तक लगातार इस तरह फेंटना है। ये देख रहे हो ऐसे बुलबुले से बन रहे हैं इसके अंदर, तो बैटर के अंदर हवा बेसिकली भर दो। जितना ज़्यादा बैटर फिटेगा उतना अच्छा हमारा वड़ा बनेगा। तो बैटर हमारा रेडी है, अब इसे चेक कैसे करना कि बैटर सही बना है। एक ग्लास में पानी लो और उसमें हल्का सा बैटर डाल के देखो, अगर बैटर फ्लोट हुआ यानी हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। नाउ टाइम टू मेक वड़ास। अपने दोनों हाथ में पानी लगा लो पूरी तरीके से अच्छे से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैटर और अपने हाथ पे रखो और इसको पैटी की तरह बनाओ, और जिस हाथ से बैटर शिफ्ट करो उसमें वापस पानी लगा लो ताकि बैटर चिपके नहीं, और ऐसे करके इसे तेल में डाल लो। सी इस तरह। एक और तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो, टेक अ ग्लास और उस पर कोई भी पन्नी लगा लो, उसको टाइटली इस तरह से स्ट्रेच करो और रबर लगा लेना, उस पर हल्का सा पानी लगा के और उसके ऊपर बैटर स्प्रेड करो पैटी की तरह, जैसे अभी हमने हाथ पे किया था, और ग्लास से निकाल के उसको हाथ पे शिफ्ट करके तेल में डाल लो इस तरह। दैट्स इट। अब सारे वड़े को तेल में डालो, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लो, एक बार शेप ले ले उसके बाद पलटना या करछी चलाना। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि हमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, कड़े से नहीं चाहिए, ना ही क्रंची। अगर ये क्रंची हुए तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये ब्राउन हो चुके हैं, अब एक्सेस ऑयल स्ट्रेन करके इन्हें निकाल लेते हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट ये कितने सॉफ्ट एरी और लाइट बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे उस हिसाब के बने हैं। अब एक कोई भी बड़ा बर्तन लो या फिर पैन लो और उसमें पानी पूरा भर के लो, और उसमें बस एक चुटकी भर नमक डालना है और पानी को सुसुम करना है, पानी का बस ठंडापन मारना है, और जितने भी वड़े हैं उसको पानी में डाल दो पानी के ठंडा होने के बाद, और उसे फूलने दो। वड़े को सुबह तक फुलाना ज़रूरी है ताकि उसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े और वो जाके पानी में जाके थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पूरा सॉफ्ट हो जाए, एरी हो जाए। ठीक है, देख रहे हो आप कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसका सारा पानी निकाल के गार के इसको पूरा स्क्वीज कर लेना और इसको प्लेटिंग कर लेना। बहुत ही एरी और बहुत ही लाइट और बहुत सॉफ्ट बनी है ये, एक बार ट्राई ज़रूर करना ये। अब जो दही लिए हमने उसको एक बार फेंट लेना अच्छे से। फेंटने से क्या होगा, वो इवेनली वड़े पे स्प्रेड होगी, जैसे कहीं कहीं छूट जाती है ना तो वो नहीं होगी। देखो कितना इवेनली स्प्रेड हो रही है। अब वड़े पे हमें बस मिर्ची, भुना हुआ जीरा और काला नमक स्प्रेड करना है, चुटकी से स्प्रेड करना है, और कुछ नहीं डालूंगी वड़े पे। दही वड़े से मेरे कोई मजाक नहीं होना चाहिए। मैंने इसे सिंपल प्लेन और बहुत ही सूदिंग रखा है, जो घर पे नॉर्मली हमारे मम्मी लोग बनाती है। इसके बनाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि होली पे हम लोग इतना पुआ खाते हैं, इतना पूड़ी खाते हैं, बहुत तेल घी हो जाता है, तो दही वड़ा इज़ लाइक पाचन तंत्र, अनारदाना पाचक दाना जैसा, तो इसके साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई इमली की चटनी और धनिया चटनी नहीं डाल रही इस पे, प्लेन सिंपल दही वड़ा इज़ रेडी। वो दही बड़े हमारे बनके रेडी हो गए।
ये दिख रहा है आपको कितनी टेस्टी और सेक्सी बनी है, लाइक लिटरली मैं अभी काट के दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं ये शूट करने से पहले एक प्लेट खा चुकी हूँ क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जस्ट सी हाउ सॉफ्ट दिस इज, जस्ट सी एंड दिस इज सो टेस्टी। तो जाइए घर पे, होली है, दही बड़े बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। तब तक के लिए इन्जॉय, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।